सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज बिना SMD के आपको कोई भी मोबाइल का डिस्प्ले का सॉकेट हो या फिर जो जिसमें चार्जिंग पत्ता लगता है वो सॉकेट हो, बिना SMD की मदद के केवल आयरन से आपको जैक निकालना सिखाएंगे। आपको टेम्परेचर रखना है 400 पे और पहले टीवी वेल का शोल्डर लगा लेना है ताकि जो सारा शोल्डर हो 400 पे पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए और बिना कोई प्रिंट डैमेज हुए आराम से सारा जैक जो है हट जाए। इस तरीके का मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उस पर मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि नहीं सर नहीं हो पा रहा है। आपको जो टेम्परेचर है वो 400 से कम नहीं करना है और जो फ्लक्स पेस्ट के साथ साथ आपको शोल्डर यूज करना है वो 183 सेल्सियस का यूज करना है। उसके बिना ये शोल्डर मेल्ट नहीं होगा, आपको यूज करोगे तो प्रिंट डैमेज हो जाएंगे। देखिए कितना क्लीनिंग से एकदम ओके काम हो गया है और एक भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ। नॉर्मली ईजी है, माइक्रोस्कोप पे है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिना माइक्रोस्कोप के भी ये काम हो सकता है। जो शोल्डर हमारे को शोल्डरिंग के लिए भी यूज करना है वो 183 या फिर इससे भी नीचे का अगर आप यूज करते हो तो वो यूज करना है और फ्लक्स पूरा अच्छे से इस्तेमाल करके एकदम ओके कर देना है। SMD मशीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। SMD आप यूज करोगे पीछे अगर CPU पे थोड़ी सी भी हीट लग गई, CPU ड्राई हो जाएगा, आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। फिर आपको CPU पे काम करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बाहर से 1000-1500 रुपये खर्च करके CPU रिपेयर कराना पड़ेगा। सबसे बढ़िया है पूरे तरीके से आयरन से लगाइए, देखिए बिल्कुल ईजी बिल्कुल एकदम बढ़िया करके लग गया है, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल। हमेशा डिस्प्ले कनेक्टर या फिर जो चार्जिंग फ्लेक्स का कनेक्टर रहता है उसके पीछे CPU या पावर IC जरूर कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट रहता है EMC जिस पे हीट पड़ने से वो ड्राई हो सकती है। देखो बिल्कुल आयरन के वजह से बिल्कुल ओके लग रहा है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं भी है तो भी आप इसको ईजिली इस मेथड से लगा सकते हो। अगर दोस्तों आपका काम ओके हो तो ज़रूर कमेंट एंड मैसेज कीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस परेशानी का आपको हल बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों।